यारो छो, जैसा कि हमने पिछले इंट्रोडक्शन में हमने सेट के बारे में बात कर लिया था कि व्हाट इज सेट क्या नहीं है। तो सेट क्या था? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड मीन्स उसकी डिफिनेशन शुडंट वैरी, उसकी जो डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने में। 12 महीने में नाम क्या है? जनवरी। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सा जे से स्टार्ट होगा। जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अतः और कोई वर्ड मतलब और कोई मंथ का नेम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा जून, जुलाई, जनवरी ही आएगा, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ और मंथ नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हमारा है, शेट। सेकेंड बात करते हैं, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली वर्ड अपने आप में डिफाइंड नहीं है, किसी दूसरे मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई और होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई और होगा, मतलब यह सेट नहीं है, नो सेट। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ अपने आप में डिफाइन नहीं है, मतलब कहना है किसी एक व्यक्ति के द्वारा 11 बल्लेबाज कोई और होगा, मान लीजिए मेरे द्वारा है रोहित हो जाएगा, यूवी, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे ऐसे 11 कोई बल्लेबाज, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई और बल्लेबाज होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई और बल्लेबाज होगा। तो यह सर्वश्रेष्ठ वर्ड अपने आप में डिफाइन नहीं है, मतलब यह भी सेट नहीं है, नो सेट। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो किसी भी क्लास में बालकों का संग्रह, मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतने ही बालकों की जितना कक्षा में होगा, ऐसा तो है ना कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ और होंगे, किसी दूसरे के लिए कुछ और होंगे। तो यह क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, सेट है। फिर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो 100 से कम क्या हो जाएगा, 1 से लेके 99 तक, मतलब यह सभी व्यक्ति के द्वारा यही होगा। तो यह हमारा क्या है, एक सेट है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, बोलो सम, तो सम वह संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यह मतलब हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे -4, -2, 0, 2, 4, ……, इधर भी इनफाइनाइट तक, मतलब यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही होगा। तो कहने वाला ये क्या, वेल डिफाइंड है, ये हमारा सेट होगा। फिर बात करते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित जितने उपन्यास है वो सभी व्यक्ति के लिए उतना ही जितना है, तो मतलब ये भी अपने आप में वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।